अस्सलाम दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि नीट की तैयारी 3 महीने में कैसे, यानी 3 महीने के अंदर नीट की एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें, नीट एग्जाम क्वालिफाई करें ओनली 3 मंथ्स के अंदर। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात कि आप स्कूल जाते हैं 11th 12th में, 5 आवर की आपकी स्टडी होती है, आप 2 साल तक स्टडी किए 11th 12th का बिल्कुल अच्छे से, आपका क्वेश्चन भी 11th 12th से ही आता है नीट में, तो आप स्कूल को अपना फ्यूचर समझें कि यही हमारा फ्यूचर है, 2 साल की हमारा मेहनत है, यही हमारा फ्यूचर है। तो आप स्कूल गए, मेहनत किए, ठीक है, 11th 12th का 5 आवर एवरी डे, अब 5 घंटे का डेली आपने स्टडी करा, ठीक है, स्कूल में, और सेल्फ स्टडी 7 आवर करिए, 7 घंटे आपने घर पे स्टडी करा, तो आप 11th 12th में है, आपने 12 घंटे स्टडी करा, जिस क्लास में है उतने घंटे स्टडी करिए, 11th में 11 आवर, 12th में 12 आवर आप स्टडी करिए, आप स्टडी करिए मैक्सिमम, किसी भी कोर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी चीज के कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए 15 आवर एवरी डे मैक्सिमम होता है, एक दिन के नहीं, मिनिमम 3 मंथ्स आप अपने शेड्यूल बनिए, 21 डेज तक कंटिन्यू उस हैबिट को करिए, 21 डेज, अगर किसी भी आदत को आप 21 दिन तक कंटिन्यू करते हैं तो आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, उसको फिर आप नहीं छोड़ पाएंगे। वो आप नमाज पढ़िए कंटिन्यू 21 दिन, देखिए आप 22वें दिन से ऑटोमेटिक जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह आप अगर स्मोकिंग करते हैं 21 डेज छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आपके लाइफ से वो चला जाएगा। तो किसी भी चीज पे काबू पाने के लिए उसको हमें 21 डेज देना होता है, ये साइंटिफिक इस्लामिक दोनों ही है। अब आपके क्या 12 घंटे का स्टडी हो रहा है एवरी डे, आप कंटिन्यू स्टडी किए 600-700 दिन, यानी 2 साल मैंने 600-700 महीना, आप 600-700 दिन आपने काम स्टडी करा, तो आप एकदम पावरफुल टैलेंटेड स्टूडेंट हो गए। आपके जो मेट्स होंगे क्या कहेंगे, ये अलग है, इसके पास टैलेंट का नॉलेज, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, ये अलग प्लानट का है, जस्ट लाइक बहुत सारी चीजें बोलती है, गॉड गिफ्टेड, इसके पास माइंड है, कुछ नहीं, वो अपने लेबर से सक्सेस होते हैं। अब स्टडी का मतलब ये नहीं होगा स्टडी करें, नोटिफिकेशन आए चेक करें रिप्लाई करें, ये स्टडी का मतलब नहीं होता। 7 आवर अगर घर पे स्टडी करें, स्कूल में तो थोड़ी सी इंटरटेनमेंट चल जाती है, तो बिल्कुल अपने 3 घंटे स्टडी करा या 1 घंटे स्टडी करा, 10 मिनट घूम लिया, रेस्ट कर लिया, फिर 2 घंटा पढ़ा, फिर आधा घंटा मोबाइल ब्राउजिंग कर लिया, जस्ट लाइक डे ऐसे करिए, उसके बाद आपका 12th में रिजल्ट अच्छा आएगा। अब उसी चीज को 3 मंथ के अंदर रिवाइज कर लो, तुम्हारा नीट क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो बच्चे है 720 out of 720 लाते, 720 में 720 लाते, कैसे लाते हैं, मेहनत करते हैं, 2 साल कंटिन्यू वो 10-10 घंटे स्टडी करते हैं, उसके बाद उसी चीज को 3 महीने के अंदर रिवाइज करके अपना टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। तो टेस्ट 3 महीने में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल दिल से मेहनत करना होगा। तो मैं हूं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें, डॉट सोल्ला।